हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो सबसे पहले हमारी कामना उससे जुड़ती है, अपनी कामना पूर्ति के लिए हम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, और जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और फिर हमारी कामना भी अधूरी रह जाती है और सामने वाले की कामना भी अगर पूरी नहीं होती तो फिर झगड़े होते हैं, या तो धोखा होता है या कुछ और होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आलस को हराने के लिए अपने आप को आप बार बार अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराएं तो भी आप हार जाएंगे। आलस या भय या मोह ये कैसे हारते हैं? ये हारते हैं मात्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वृत्ति से ऊपर एकमात्र क्या है? आत्मा। अब समझ में आ रहा है कि पूरी गीता में आत्मा का उपदेश क्यों है, क्यों? क्योंकि समस्या है मोह की, और मोह क्या है? वृत्ति, और वृत्ति को हराना है तो आत्मा चाहिए। इसलिए कृष्ण और नहीं कोई बात करते, ज्ञान की बात करते हैं, माने आत्मा की बात करते, और कोई तरीका ही नहीं है अर्जुन को धर्म मार्ग पर लाने का। अर्जुन की मोह भय इत्यादि की वृत्ति को परास्त करने का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। अगर ये अर्जुन के लिए है तो ये हमारे लिए भी है। तो हमारे अंदर भी क्या होता है? मोह है, भय है, लोभ है, लालच है, ये सब कुछ हमारे अंदर है, और हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो सबसे पहले हमारी कामना उससे जुड़ती है, अपनी कामना पूर्ति के लिए हम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, और जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और फिर हमारी कामना भी अधूरी रह जाती है और सामने वाले की कामना भी अगर पूरी नहीं होती तो फिर झगड़े होते हैं, या तो धोखा होता है या कुछ और होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ये जो मतलब इंसान की एक वृत्ति होती है, किसी को धोखा देना, किसी से कामना करना, किसी से डर लालच, ये हमने संबंध बुक में सीखा था कि ये सब प्राकृतिक है ना। और हमें हम इंसान हैं और हमें प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना है। हमारे अंदर चेतना है और हम अपनी चेतना के हिसाब से अपनी चेतना को जागृत करेंगे, अपने आप को जानेंगे कि हम कौन हैं। क्योंकि ये जो अहंकार है ये जन्म से ही अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, और ये कामना करता रहता है अपने आप को पूरा करने के लिए। तो आत्मज्ञान की ज़रूरत है इसे जानने के लिए कि कामना कभी पूरी नहीं होती, और अगर कामना पूरी हो गई होती तो आज हमारे जीवन से सारी कामनाएं खत्म हो गई होती, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, आपके मन में कौतूहल उठना चाहिए कि यदि पहले अध्याय में समस्या का वर्णन है, दूसरे से 17वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने इस प्रकार का समाधान क्यों दिया? वो कोई और समाधान भी तो दे सकते थे भाई, कृष्ण तो राजनीतिज्ञ भी थे, वो ये समाधान भी तो दे सकते थे कि चलो ऐसा करते हैं कि एक बार दुर्योधन से बात करते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि पितामह उधर है, सेनापति पितामह से बोलते हैं कि 4 दिन बाद लड़ेंगे, 4 दिन बाद बस ऐसे ही हमें आपको साथ रहना है, कुछ भी कह सकते थे ना। कृष्ण किसी भी दिशा में कोई सलाह या प्रस्ताव ला सकते थे, कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण ने क्या किया? 17 अध्याय आत्मज्ञान के सीधे शुरू होते हैं, कृष्ण आत्मा क्या है ये जानो, है ना। मतलब कि कृष्ण अगर चाहते तो गीता को 18 अध्याय तक बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहते तो अर्जुन को 1 अध्याय में भी सब कुछ बता सकते थे या करवा सकते थे, लेकिन 18 अध्याय तक उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि आत्मा क्या है ये जानना पड़ेगा, है ना। आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन की जो परेशानियां वो खत्म होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो संसार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे जाति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे नैतिकता की हो, वो सारी समस्याओं पे गीता पे बात की गई है, क्योंकि ये सारी समस्याएं हमारी होती हैं, ठीक है। तो कृष्ण सबको तो नहीं आत्मा का उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण को क्या पड़ी है आत्मा की बात करने की? अर्जुन एक बहुत सीधी सादी बात बोल रहे हैं, अर्जुन जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा कहीं नहीं है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? ये मेरे भाई है, मेरे सहोदर, मेरे संबंधी हैं, मैं नहीं लड़ता। मान लीजिए आपसे कोई आकर ऐसे बोले कि बगल के मकान में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, देखिए मैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, आपकी ये क्या कल्पना में भी आएगा कि उसके हाथ में गीता दे दे? आप जरूर उसको कोई उत्तर देंगे, पर वो कैसा होगा? आप बताइए आप क्या उत्तर देंगे? कोई भी आकर आपसे बोले कि बगल के घर में जो रहते हैं वो लोग व्याभिचारी हैं, अनाचारी हैं,
प्रदूषणकारी है, हिंसाकारी है, सब कुछ है वो। लेकिन इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है। जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरा ये मिशन है जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उनसे मेरी यारी है तो मैं तो नहीं लड़ता उनके खिलाफ, ये बात आपके मन में कल्पना के तौर पर भी आएगी क्या कि तुरंत उसको गीता दे दूं? आप उसको क्या बोलेंगे? आप कुछ और कहेंगे? आप कहेंगे फिर अच्छा ऐसा करते हैं, आपको युक्ति, कोई तरकीब, कुछ टेक्निकल बात निकालेंगे? आप वो तो नहीं करेंगे जो कृष्ण ने किया। लेकिन कृष्ण आपके हमारे जैसे नहीं है, उन्होंने सीधे समस्या का मूल पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं मोह, मोह पकड़ लिया, मोह है। और अगर मोह है तो अर्जुन से और इधर उधर की बात करने से तो कोई कुछ होगा ही नहीं। थोड़ा सा प्रयोग वो करके देख लेते हैं, वो क्षत्रिय धर्म की बात आरंभ में ही करके देख लेते हैं। कृष्ण को भी पता है कि जिसकी समस्या मोह हो उसे कर्तव्य याद दिलाना व्यर्थ ही जाना है। तो दो चार दफे वो बस बोलते हैं कि क्षत्रिय क्षत्रिय, और देखो दुनिया तुम पर हंसेगी, और क्षत्रिय को तो अपनी कीर्ति, अपना यश बहुत प्यारा होना चाहिए, तुम ये सब मत करो। और उसके आगे बहुत प्रयास भी नहीं करते, कहते हैं छोड़ो ये रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता, जो रास्ता दूर तक जाता है अब जरा उसको खोलते हैं। और फिर वो किस रास्ते को खोलते हैं? आत्मा के रास्ते को खोलते हैं। और फिर पूरी गीता बस यही, आत्मा सत्य, आत्मा सत्य, आत्मा सत्य, और कुछ नहीं है पूरी गीता में। आपके सामने भी ऐसी समस्याएं हैं जो व्यक्तिगत है, जीवन में है, ठीक है। अभी हम यहाँ आपकी समस्याएं थी, इसीलिए हमने आपको गीता पे लाया है ना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आपको इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन आपकी जो समस्या है ना उसका हल सिर्फ गीता में ही है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। और अगर आपने अच्छे से गीता को समझ लिया, समर्पित भाव से, समर्पण से, बिल्कुल जिज्ञासा से और समझने की कोशिश की, इससे दूरी नहीं बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी, ये गारंटेड है, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को समझा और अर्जुन की समस्या दूर हुई है, तो हमारी भी दूर होगी। और यहाँ मैं भी आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरी भी काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं और आज मैं अपनी समस्या हल करने के साथ साथ आप लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उनका समाधान बस गीता में है, और इधर उधर की बातें मत करिए, इधर उधर के उपाय प्रयास कुछ मत करिए, उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ गीता है। वृत्ति की समस्या आपके जीवन में लोग हैं जिन्हें मोह बहुत है, आपके जीवन में लोग हैं जिन्हें भय बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, लालच बहुत है कि पकड़ लूँ, भ्रम बहुत है, कुछ समझ में नहीं आता, अज्ञान है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, आपके जीवन में आप भी हैं। तो हो सकता है मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, क्या आप अपने भीतर ये सब पाते हैं? इनमें से अगर आप कुछ भी अपने भीतर पाते हैं जो यहाँ पे बताया गया है, लोभ, मोह, लालच, भय, ईर्ष्या, लालच, अगर ये सब चीज़ें, भ्रम, अज्ञान अगर आपके अंदर है, कुछ भी आपके अंदर है, तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी और मत करिएगा, ठीक है। ना मनोरंजन से आपका काम बनना है, ना रुपए पैसे से, ना प्रसिद्धि से, ना अपने ऊपर और अनुशासन थोप करके, ना अपने आप को हीन बना करके, लज्जित करके, ग्लानी भाव में डुबो करके, किसी चीज़ से आपका काम नहीं बनना है। अपने आप को दंड देकर भी काम नहीं बनना है। आप कहें कि मैं बुरा आदमी हूँ, मुझ में लालच बहुत आ गया है, या मुझ में आलस बहुत आ गया है, मैंने फलाना काम नहीं किया, अब मैं अपने आप को दंडित करूँगा। कैसे दंडित करूँगा? दो दिन काम नहीं किया था, आज रात भर काम करूँगा, या किसी और तरीके से मैं जो नुकसान कर दिया मैं उसकी भरपाई करूँगा। मैं दंडित करूँगा
या मैं अपने ऊपर अब अतिरिक्त अनुशासन डालूंगा, इस तरह की कोई भी विधि काम नहीं आएगी। समस्या यदि वृत्ति के तल पर है तो समाधान मात्र आत्मा के तल पर होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, जी। तो और मूल समस्याएं हमेशा वृत्ति के ही तल पर होती है, क्योंकि मूल समस्याएं तो हमेशा यही होती है, मोह भय आलस अज्ञान प्रमाद उन्माद, मूल समस्याएं तो यही है। तो माने कुल मिलाकर बात क्या हुई, अगर यही मूल समस्याएं हैं और इनका समाधान आत्मा ही है, तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि दुनिया की सब समस्याओं का समाधान मात्र आत्मा ही है। ठीक है, जी।